दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर जो न्यूज आया है, तो क्या यहां से आरसीएफ और एनएफएल में बड़ा मोमेंटम हो सकता है। चलिए एक बार न्यूज को समझ लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग टेक्निकल पार्ट पर आएंगे। क्योंकि होता है क्या है दोस्तों, टेक्निकल हम लोगों का सबका, मतलब जो लोग भी 4 महीने 6 महीने या 1 साल से इस शेयर मार्केट में है, तो सबका टेक्निकल कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाता है। बट टेक्निकल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम सब कुछ लगा करके रखते हैं, लेकिन एक ऐसा न्यूज आ जाता है और उस न्यूज से पूरा आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ ताड़ करके ऊपर भाग जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं, तब हमें ये ध्यान में आता है कि काश मैंने पहले देख लिया होता, मेरा रेजिस्टेंस टूटने से पहले अगर मैं इसे पकड़ लिया होता तो एक बड़ा पैसा बन गया होता। बट ऐसा होता नहीं है, न्यूज आता है और न्यूज आते ही एक बड़ा मोमेंटम हो जाता है। तो जैसे ही न्यूज आता है उस टाइम पर, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो वहां पर मैं अपडेट कर ही देता हूं। लेकिन अब आइए थोड़ा सा ये न्यूज समझ लेते हैं। कैबिनेट ने 244.8 अरब, मतलब 24,480 करोड़ की खाद उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य किसान भाइयों को उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है, ताकि खेती की लागत को नियंत्रित किया जा सके और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज। अब जब फर्टिलाइजर सेक्टर में इतना बड़ा न्यूज आ ही गया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग आरसीएफ का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अब दोस्तों यही आरसीएफ आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा, जब नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट था उस टाइम पर मैंने बताया था, और जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे होंगे उन लोगों ने बहुत बढ़िया पैसा कमाया था। फिर एक समय ऐसा आता है दोस्तों, स्टॉक भागते भागते यहाँ पर ब्रेकआउट मारता है, और ये पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा, ये सारा कुछ पहले का मैं लगा करके रखता हूँ अपने चार्ट के ऊपर। तो ब्रेकआउट हुआ, फिर रिट्रेस किया, रिट्रेस करके फिर ऊपर गया, 3-4 बार ट्राई किया था 240-245 को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं सस्टेन किया। अब आज के डेट में सारे के सारे पीएससी स्टॉक्स कहीं ना कहीं नीचे है, चाहे वो रेलवे सेक्टर का स्टॉक हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, लेकिन आज की डेट में पीएससी स्टॉक्स नहीं भाग रहे। लेकिन ये भी हकीकत है कि जितना भी, मतलब जितना बड़ा पैसा हम लोगों ने कमाया वो पीएससी सेक्टर या पीएससी स्टॉक से ही कमाया। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो ये था एक सप्लाई जोन, जिसे हम लोग सप्लाई जोन कहेंगे। जब यहाँ पर ब्रेकआउट मारा था, ब्रेकआउट मार के जब नीचे आया था, तब हमारा डिमांड जोन था। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, ये देखिए, अगर मैं इसी लेवल को आगे लेकर के आता हूं तो कहीं ना कहीं फिर से ये हमारा डिमांड जोन हो गया। ठीक है, तो डिमांड जोन पर आकर के अब इतना बड़ा न्यूज, अब अगर इसे सपोर्ट लगाना हो तो सपोर्ट अगर आप देखोगे तो एक बार सपोर्ट लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, और तीसरी बार यहां पर एक बहुत बड़ा न्यूज। न्यूज के बाद से अगर आप सपोज न्यूज नहीं फॉलो करते हैं, टेक्निकल चार्ट देख करके आप ट्रेड लेते हैं या स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाना है। ट्रेंड लाइन लगाने पर जब जिस दिन इसको ब्रेकआउट करेगा, तब हमारा पहले, अगर हम टारगेट की बात करें, छोटा टारगेट की बात करें, तो छोटा टारगेट 205 होगा, थोड़ा सा उसके ऊपर जाए तो 220 का टारगेट, और उसके ऊपर जाए तो वही 240 और 245 वाला हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से अगर आप न्यूज और टेक्निकल दोनों को मिक्स करके एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो सकती है। क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर एनएफएल, आरसीएफ, प्रदीप फास्फेट और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनियां हैं, इनमें मोमेंटम होगा? अगर मोमेंटम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी आपको लगे। और बहुत दिनों के बाद से यूट्यूब पर आए हूँ, तो प्लीज लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।